देखो ये चमक, इसमें चमक भी डाल, ये चमक आ गई। ये पराठे में चमक जो आती है वो हल्की आग में पकते थे। अच्छा तेज आग में तो खराब हो गया। माशाल्लाह मेरी क्यूट चिल्लानी को देख सकते हैं। पराठे बना रही है और मेरा पेट में जो है दर्द हो गया हंस के। बड़ी अम्मी यार देखे गाइस की मेरी नानी क्या कह रही है कि सबके मुंह में पानी आ जाएगा। ओहो माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आ गई हूँ आज अपनी नानी की किचन में। तो मेरी नानी आज बना रही है बेसन के पराठे और बहुत सारी टिप्स आपको मिलने वाली हैं। और मेरी फुल वीडियो वॉच करिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। मैं तो अपने बचपन से खा रही हूँ और मैं इनके पराठे की फ़ैन हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो आज आप लोगों को मैं ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, तो प्लीज़ पूरी वीडियो वॉच करिएगा। तो देखते हैं नानी के हाथ के पराठे कैसे होते हैं। तीन तसले जो हैं वो आप ये वाले तसले जो हैं आटे की ले रही हैं, तो ये तीन पाव आटा हो गया। हाँ, ये तसला जो है आपका वो एक पाव का है। हाँ, सही है, ठीक है। अब मैंने लेना है इसी तरह बेसन, बेसन ले रही हूँ तसले भर के, तीन तीन बेसन के, तीन तसले भर के बेसन के, मतलब तसले मतलब तीन पाव बेसन। हाँ, तीन पाव, तो डेढ़ किलो हो गया दोनों मिला के। हाँ, डेढ़। ये देख सकते हैं आप मेरी नानी जो है वो तीन पाव बेसन, तीन पाव आटा, मतलब आधा आटा और आधा 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 आटा आधा बेसन, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, एक और ये दूसरा तसला और ये तीसरा, ये तीसरा तसला हो गया इनका। ये देख सकते हैं ये तीसरा तसला, ये देख सकते हैं ये तीसरा तसला। तो ये देखिए इसको, अब मैंने इसके अंदर डालना है। अब डालो, मैं आधी प्याली तेल, ये आधी प्याली आपने इसमें तेल डाला, तेल डाला है, तेल डाला है। घी भी डाल सकते हैं, घी भी डाल सकते हैं, तेल भी डाल सकते हैं। चलो ये मैंने लिया है, ये देख सकते हैं आप, आधी प्याली जो है तेल ले लिया है। और ये देख सकते हैं ये इन्होंने मसाला बनाया है। हाँ। तो आपने इस मसाले में क्या क्या डाला है। मैंने इस मसाले में प्याज 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 लहसुन लहसुन कुटी मिर्ची साबुत धनिया, अच्छा, और नमक लिया है, नमक लिया। प्याज लहसुन साबुत धनिया कुटी मिर्ची और नमक, नमक, ठीक है। तो ये मसाला बना के आपने आटे में मिलाना है, आटे और बेसन में मिलाना है। हाँ। ठीक है, ये देख सकते हैं कुटी मिर्चों का एक चमचा डाला है रंगत के लिए। हाँ, कुटी हुई मिर्चों का टेस्ट होता है, साबुत धनिया है, प्याज है, ये देख सकते हैं आप। और अजवान नहीं है तो अजवान भी डालते हैं, अजवान भी डालते हैं, लेकिन अभी इनके पास अजवान खत्म हो गया है तो कोई बात नहीं, अजवान नहीं डाल रहे आज। ये देख सकते हैं आप, अब मेरी नानी ये मिक्स कर रही हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, हम तो बचपन से खाते हुए आ रहे हैं, हमें तो बहुत पसंद है। जब ये बन रहे होते हैं इसकी खुशबू कितनी अच्छी होती है, अच्छी होती है ना। और इसके साथ हमने चटनी भी बनाई है, अभी आपको दिखाते हैं। तो ये आपने मिक्स कर लिया है, ये आपने मिक्स कर लिया है, तो ये देख सकते हैं मेरी नानी ने मिक्स कर लिया है। अब आटा गूंथ रही है मेरी नानी, तो बिस्मिल्लाह पढ़ ली है नानी ने, ये देख सकते हैं आटा गूंथ रही है। बेसन का आटा जरा सख्त गूंथते हैं, बेसन का आटा जरा सख्त गूंथते हैं, वो पतला गूंथने में ना फट जाती है, और वो हाँ रोटी बेलने में फट जाती है। हाँ। और प्याज वगैरह जो है वो बारीक काटते हैं, बारीक काटते, मोटी मोटी ज्यादा होंगे ना तो पराठा भी फटेगा और मुंह में भी ज्यादा आएगी, बारीक प्याज काटते हैं जी। तो ये आटा गूंथ रही है मेरी नानी, आटा गूंथने में भी काफी मेहनत चाहिए होती है, मेहनत जब ही तो उसकी फुटकियां खत्म होती है, बेसन की फुटकियां। तो बड़ी अम्मी आपने जो रोटी बनाई है माशाल्लाह, वो आप कितने साल से रोटी बनाती हैं। मेरी छोटी शादी हुई है जब से, मकसद ये जब मैं अलग हो गई थी ना, अच्छा, बच्चों को बना बना के खिलाती थी। अच्छा, जब आपके बच्चे थोड़े बड़े हो गए थे, जब आपने जैसे अलग हो गई थी, तो फिर आप जब से बना के खिलाती हैं, बना के खिलाती। तो माशाल्लाह इस बात तो कितना टाइम हो गया, 45 साल, 45 ईयर्स। अच्छा, क्योंकि मैंने इसलिए अंदाजा लगा लिया क्योंकि मेरी अम्मी है 45 ईयर्स की, तो इसलिए मैंने अंदाजा लगाया। अब आटा गूंथ लो, आप अच्छी तरह गूंथ लो, बस अब मुझे सख्त कर। हाँ, ये देखें आप कि मेरी नानी ये ऐसे गूंथ है इसका, ये फुल प्रेशर लगा रही है। आप वो करेंगे इतना अच्छा आटा गूंथ, अच्छा, मतलब जितनी सख्ती से आप गूंथेंगे। हाँ। अच्छा, ये देख सकती हैं
कितना अच्छा माशाल्लाह आटा गुन रही है नानी। ऐसा तो ये आज इस रसोई का नाम मैं क्या रखूं? बेसनी का नाम बेसन नहीं, नानी की रसोई। तो ये पानी थोड़ा थोड़ा लेती रहेंगी, जरा जरा सा, ज्यादा नहीं कि बिल्कुल ही आप ज्यादा, क्योंकि हमें सख्त रखना है आटा। ये देख सकते हैं आप, ना फट जाती है ना पतले आटे पे। जी ये सख्त रखती है, देखे माशाल्लाह माशाल्लाह से कितने अच्छा आटा गुन रहे हैं हमारी नानी, बहुत एक्सपर्ट है। मैं गूंदूंगी तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दूंगी। लेकिन मैंने भी बनाया हुई है, बहुत दफा बनाई हुई रोटी है। आटा तो मुझे भी अच्छा आता, क्योंकि मैंने सीखा किससे? जब सिखाने वाला माशाल्लाह नानी हो, एक्सपर्ट की भी एक्सपर्ट, माँ की भी माँ, तो जाहिर सी बात है तो फिर इंसान अच्छे से ही सीखता है। देखिए देख सकते हैं, वाह माशाल्लाह, जितना इसको बनते वो करो ना, गूंदेंगे आप। अच्छा वो ना उतना अच्छा बनता है। अच्छा, और उसमें आपके भूसे भी तो मारती है। अभी मारेंगी, अभी आटे की पिटाई होगी अभी, आप देखिएगा ये आटा है ना, इसमें सारा निपट जाए ना तो फिर वो। अच्छा, मतलब ये सारा जो बाहर निकला हुआ है थोड़ा सा, इतना भी बाहर आया है ना, सबको लपेट के सही है, फिर वो मुखिया मारेंगी। मुखिया मुखिया तो मुखिया पड़ने वाली है आटे को, बड़े में आप में तो जान नहीं है इतनी, मुखिया आप इतनी कमजोर, इतने से मारेंगी आप ये। ओहो कोई बात, माशाल्लाह माशाल्लाह, बच्चों के लिए तो माओ का सब वो होता है। अच्छा, जैसे बच्चे माँ का दिल चाहता है कि बच्चे शौक से खा रहे हैं तो फिर माँ के अंदर अल्लाह ने, और बच्चों के बच्चे खाते हैं आपके तो भाई और क्या। ये देखें माशाल्लाह से, ये तो मम्मी पका। हाँ हाँ, आपने याद है मेरे घर में आई थी, आपने मुझे आटा गूंद के दिया था। हाँ। अच्छा, इस आटे को गूंद के हम फ्रिज में रख सकते हैं? हाँ हाँ, फ्रीजर में रखे आप जब भी दिल चाहे निकाल के, मतलब ये इसकी बर्फ, मतलब आप इसको आप फ्रीजर में रख सकती हैं, और इसको थोड़ा सा पिघल जाइए तो इसको पराठा बना के आप आराम से खा सकते हैं। तो कितने दिन तक आप फ्रिज में रख सकते हैं? बर्फ रहेगी तो खराब ही नहीं होगा। तो बड़े में फिर भी अंदाज है कितने दिन तक? खराब ही नहीं होगा, जैसे गोश्त रखते हैं 15 दिन तक आराम से। तो 15 दिन तक आप इस आटे को आराम से रख सकती हैं फ्रिज में, और कभी भी आपको भूख लगे सुबह नाश्ते में, कभी भी आप बना के खाएं इसको, और ये ख़राब नहीं होता। बस ये कि आप इसको ढक के रखें, क्योंकि ऊपर अगर भरा बड़ी में ढक के रखें ना फ्रिज में भी, ढक के रखो, क्योंकि किसी चीज़ की स्मेल नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसमें आपने लहसुन भी तो डाला है? लहसुन डाला है ना मैंने। हाँ। प्याज, कुटी मिर्ची और पिसी हुई मिर्ची सब डाला है। ये देखें पिटाई हो रही है आटे की, ये देखें माशाल्लाह। और इसको आप ठहराएंगी आटे को? हाँ, अभी थोड़ा सा ठहरा के फिर, मतलब आधे घंटे आप ठहराएंगी इसको। हाँ, ये देख सकते हैं आप, देखिए कितनी मुश्किल से ये आटा गूंथता है। बस ये के जो रोटी पकाने वाला एक्सपर्ट होता है ना, वो आराम से गूंथ सकता है, जो अनाड़ी होगा वो उससे नहीं गूंथा जाएगा ये। तो ये देखें, क्योंकि बेसन जो है ना वो काफ़ी हाथों में चिपकता है, वैसे भी आटा भी चिपकता है, लेकिन बेसन जो और आटा जो मिल जाते हैं ना तो बहुत सख्त। मैं नहीं पकाती ना, मैं नज़र से नरम आटे को पकाती। अच्छा, ये देख सकते हैं, सही है मेरे हिसाब से, ये इनके हिसाब से ये बिल्कुल तैयार हो गया, तैयार हो गया सही। आखिर में बड़ी अम्मी उठा के यूँ ज़रूर पटकती हो। और बड़ी अम्मी की एक खासियत है, बड़ी अम्मी जब भी रोटी बनाती है अपना छापा मारती है बड़ी अम्मी। हाँ, हमेशा हमने बेसनी के पराठे में नहीं, रोटी में आता है बड़ी मम्मी के। हाँ, पूरा हाथ छपा हुआ था रोटी में, और मैंने इतनी कोशिश करी जब भी रोटी बनाई कि मैं हाथ छाप दूँ, मेरा हाथ नहीं छपा। पता नहीं क्या आप उस एंगल से डालती हो कि हाथ पूरा छप जाता है। ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें, वाओ, बेसन के पराठे। तो चले अब हम इसको थोड़ी देर ठहरा देते हैं, उसके बाद हम बनाएंगे बेसन के पराठे। तो ये देख सकते हैं गाइस, अरे बड़ी मम्मी आपने पहले बना दिया पराठा, वो वाला ले लो, वो नरम है अभी। अच्छा, ये जरा सख्त है। तो ये देख सकते हैं गाइस, मेरी नानी बना रही हैं बल वाले पराठे, और इन्होंने आपने घी भी डाला अंदर? हाँ, अंदर घी डाला। अच्छा, ऊपर से भी डालेगा ये, ऊपर से भी पराठे कहते हैं। आपने आटा गूंथते हुए भी घी डाला था, और बल बर्फ का पराठा बनाते हुए भी घी डाले,
और आप ऊपर उसमें भी डालोगी घी। हाँ, उसमें भी डालो। तो एक पराठे में तीन दफा घी डालना है। तीन दफा घी डालना है। इतने महंगाई में आप इतना सारा घी डाल लीजिए, आपका कलेजा कितना बड़ा है। कभी कभी खा रहे हैं। कह रही हूँ आपका कलेजा कितना बड़ा है। घी खाते हो? अच्छा, अभी इसको ज्यादा नहीं बढ़ाना, क्योंकि ज्यादा बढ़ाएंगे ना रोटी की तरह नहीं बनाना इसको, नहीं तो ये फट जाएगा। बस इसको ये देख सकते हैं कितना नरम हो रहा है कि ये अभी भी हल्का सा, बस ये देख सकते हैं आप। तो माशाल्लाह नानी ने घी लगा दिया है और ये देख सकते हैं आप। तो ये ऐसे लेती हैं पराठे। तो ये आपने पेड़े निकाल के रखे हुए थे पहले से? हाँ, पहले से। अच्छा, तो ये आपने बल दे दिया इसमें? हाँ, सही था। तो ये देख सकते हैं आप, मेरी नानी ने अब एक पेड़ा ले लिया है। अब ये वाला पराठा सख्त वाला, ये देख सकते हैं आप। हल्की आग में लोग बात, हल्की ना, हल्की आग में बनाने हैं। सुला सुला। अच्छा, अभी कसावा बनाते हैं। पहले कसावा पेड़ा बनाओ। अच्छा, फिर बल दो। पहले आप पेड़ा बनाती हैं, फिर घी लगाती हैं, फिर बल देती हैं, उसके बाद बड़ी में बहुत वो है, ये मुश्किल काम है ये तो भाई। क्या सही, तो इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? वो भाई बच्चे शौक से खाते हैं। आए हाय, बच्चे शौक से खाते हैं, बच्चे बच्चे बच्चे। ये देख सकते हैं गाइस, अगर मैं चूल्हा पूरा एक बनवा रहा हूँ। अच्छा, ये देख सकते गाइस, मेरी नानी ने पेड़ा ले लिया है और माशाल्लाह स्पीड बढ़ गई है इनकी। अच्छा, रोटी पहले बनाओ ना स्पीड नहीं आती, और दूसरी तीसरी रोटी में माशाल्लाह स्पीड आ जाती है। तो ये देख सकते हैं, पहले इन्होंने पेड़ा बनाया। देखो जी कितना जी, और उसके बाद फिर उसके अंदर थोड़ा सा गहराई करी, ये देख सकते हैं, थोड़ा उसको खोला, उसके बाद थोड़ा ना घी अंदर भी डालते हैं आटा गूंथते हुए, और पेड़ा बनाते हुए भी डालते हैं, उसके बाद जब ये तवे पे डालते हैं फिर भी घी डालते हैं। तो ये देख सकते हैं गाइस, मैं वो देखो माशाल्लाह। तो ये आज माशाल्लाह मेरी नानी पराठे बना रही हैं। और बड़ी मियां, आपको ये किसने सिखाए? हमारी माँ बनाती थी, हमें सिखाए नहीं थे, हम देखते रहते थे बस। अच्छा, तो मतलब मेरी पर नानी बनाती थी माशाल्लाह से? पर नानी हर बारिश के दिनों में। अच्छा, लेके बैठ जाती थी, बच्चे माशाल्लाह चारों तरफ बैठे होते थे और गरम गरम बनते रहते थे और गरम गरम खाते थे। ये बात मुझे बड़ी अम्मी ने बताई भी, इसलिए मैं आपको साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि जब भी बड़ी अम्मी पराठे बनाती है, मैं हमेशा इस थल्ले पे आन के बैठती हूँ और बड़ी अम्मी पराठे बनाती रहती है और हम खाते रहते और हम कहते हैं बड़ी अम्मी हम बना लेते हैं, हम बड़े हो गए, लेकिन नहीं मैं बनाऊंगी, मैं बनाऊंगी। है बड़े अम्मी, हम बना लेते हैं। हम कहते तो अपने घर में बना लो, देखो जरा अपने घर में अपने अपने, मतलब ये हमारा घर नहीं है, तो मेरी बेटी तो ना एक साल की है, मैं उसको खिलाऊं पराठे बना के। तो हम नानी नवासियों की ऐसी बातें चलती रहती है। और मेरी नानी बहुत, ये देखो माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा सा कलर आया, आप देख सकते हैं। और ये देखिए, आप लोग भी बनाए अपने बच्चों के लिए, और मैं खास सबको पसंद होते हैं बड़ी अम्मी है ना ये पराठे, हाँ इसमें डाल दें, लेकिन बनते थोड़ी मेहनत से हैं ये। अब बड़ी अम्मी तो इतने आराम से बना लेती हैं, बेटा बेसन के पराठे खाओगी, लाओ बना देती हूँ, लाओ कितने खाओगी, चलो हाँ डाल दो, कितने खाओगी, लाओ मैं भी बना देती हूँ। ये देख सकते हैं माशाल्लाह से, ये हुई ना बात, ये देख सकते हैं गाइस, आग भी हल्की रखनी पड़ती है, हल्की आंच में बनाना है इसको, नहीं तो जल जाता है। हाँ, बहुत एहतियात करनी पड़ती है, पराठे ना हो गए क्या होगा है बड़ी अम्मी। हाँ, तो जिसको आदत होती है वो फटाफट बना लेता है। सही बात है। अब मैं तो ये देख सकते हैं आप, माशाल्लाह से। और इसी के साथ चटनी पीसी है, ये देख सकते हैं आप, ये पुदीने की चटनी है।
और ज़्यादातर हमारे यहाँ सिल्फी पिसती है। आज बहुत देर हो गई थी तो हम लोगों ने ये ग्राइंडर कर लिया, ये देख सकते हैं आप। टमाटर जी बस, और थोड़ी सी इमली भी डाली है। अच्छा, और नमक। अच्छा सही सही, जायका नमक। ठीक है ठीक है, तो उसको ग्राइंड कर लिया आपने, तो ये देख सकते हैं आप बिल्कुल हल्की आँच में ये पराठा बन रहा है। ये नहीं कि फुल तेज आँच पे आप पकाएं हड़बड़ी करके, ये देख सकते हैं, और इतनी हल्की आँच पे आराम से बनाएं, और ये जल्दी पक जाता है, बड़ी अम्मी। हाँ, जल्दी पक जाता। तो माशाल्लाह सब आ गए हैं, और बड़ी अम्मी बनाती रहेंगी, बच्चों को आवाज लगाती रहेंगी, और बच्चे लेते जाएंगे, खाते जाएंगे, और बड़ी अम्मी पूछती रहेंगी और तो नहीं चाहिए किसी को, है बड़ी अम्मी। तो ये मेरी नानी के घर में ऐसे ही सब बहुत भूल बना। और ये वाला माशाल्लाह देखे कितना अच्छा बना है पराठा। आहिस्ता आहिस्ता बनाते रहते ना, दो तीन पराठों के बाद तो ऐसी स्पीड भी बढ़ती है, और ऐसे हाँ इसमें थोड़ी और चितियाँ आने दें। मेरी नानी क्या कहती है, चितियाँ चितियाँ आनी चाहिए, चितियाँ। तो बड़ी अम्मी चितियाँ क्या होती है, ये जो इसके ऊपर गोल गोल ये जो हाँ ये जो लाल लाल जो चीज़ होती है ना, इसको चितियाँ कहती है मेरी नानी। प्यारे प्यारे पराठे बन रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से। अब देखो ये चमक, इसमें चमक भी डाल, ये चमक आ गई। ये पराठे में चमक जो आती है वो हल्की आग में पकते हैं। अच्छा, तेज आग में खराब हो रहा है। माशाल्लाह मेरी क्यूट सी नानी को देख सकते हैं, पराठे बना रही है, और मेरा पेट में जो है दर्द हो गया हंस हंस के। बड़ी अम्मी यार सब बहुत क्यूट है यार, लाओ जो देखे गाइस ये मेरी नानी क्या कह रही है कि सबके मुंह में पानी आ जाएगा। ओहो माशाल्लाह माशाल्लाह, तो गाइस सब बनते जा रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह सब बनते जा रहे हैं, और सब आते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। तो हमारे घर में ये है कि माशाल्लाह सब एक साथ दस्तखान पे बैठते हैं और सब मिलके खाते हैं, ये देख सकते हैं आप। बस मुझे तो हड़ी भी हंस हंस के ना आपने ना पेड़ पे दर्द करवा दिया, चमक जाती ना। तो रुको रुको नहीं, अच्छा लगता जैसा घी लगा दो ना चमक आ जाती है। अच्छा अच्छा, तो बड़ी अम्मी आप कुछ कह रही थी, क्या हिलाते जाएंगे क्या चीज इसको, है ना जैसे यूं यूं करके रोटी को हिलाते जाते हैं। अच्छा, मतलब रोटी को जो ना चारों तरफ घुमाते रहते हैं। घुमाते रहते हैं। अच्छा, ताकि सब जगह है ना, ताकि सब जगह चित्तियां आए, सब जगह चित्तियां आ जाए। देख सकते हैं आप, अब पता नहीं लोग क्या समझेंगे चित्तियों चित्तियां। बड़े में आपने ये कहां से निकाले अल्फाज, कौन सी डिक्शनरी में से निकाले ये बताएं आप। अच्छा, आपकी माशाल्लाह मतलब वालदा आपकी ये बोलती थी, तो मतलब ये देख सकते हैं माशाल्लाह, जब तक चितियां नहीं आएंगी ना ये नहीं पलटेगी। जब तक चितियां नहीं आएंगी बड़े में पराठे को दिखाएंगी नहीं हमें, जब चितियां आएंगी ना जब पलट देंगी। बड़े में आप बहुत तेज हो। तो ये दिख सकते हैं मेरे तो भाई पेट में दर्द होगी। मम्मी ने वीडियो देखी तो मम्मी क्या बोलेंगी, बड़ी मम्मी मुझे क्या पता क्या बोलेंगी, सच्ची बताना क्या बोलेंगी। आयशा को मैं खूब चिढ़ाऊंगी, बड़ी मम्मी आयशा को बहुत चिढ़ाऊंगी मैं। आयशा को खिलाएंगे हाँ, लेकिन मेरे जितने नहीं खाए होंगे उसने, जितने मैं खाती हूँ माशाल्लाह से। हाँ इसमें डाल दें आप, ये वाले में डाल दें, ये वाले में डाल दें, ये पकड़े मामी देखो ये कितनी, ओ माशाल्लाह ये देख सकते हैं बिल्कुल गोल बना है पराठा, और ये देख सकते हैं आप कितना माशाल्लाह प्यारा लग रहा है ये। तो चलेंगे खाते हैं, अब मुझे तो लग रही है भूख अब देख के। नहीं जाओ वाओ खाया नहीं, मैं यही बैठ के खाऊंगी, खा लो यही, हाँ यही बैठ के खाऊंगी, और माशाल्लाह आप बनाती रहेंगी और मैं खाती रहूंगी। तो ये देख सकते, तो ये देख सकते हैं गाइस माशाल्लाह माशाल्लाह से एक के ऊपर एक माशाल्लाह पराठे आ रहे हैं। तो ये देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त पराठे बन रहे हैं, और मैं आपको टेस्ट करके बता दूं, क्योंकि बहुत गर्म है ऊपर वाला, तो मैं नीचे वाला ले रही हूँ, तो मैं आपको टेस्ट करके बता दूं ये कैसा बना है। ये देख सकते हैं आप, ज़बरदस्त पराठा हो रहा है, बड़ी में बहुत मज़े का बना है, बहुत लश बना है, मज़ा आ गया बड़ी में, मज़ा आ गया। अच्छा कुटी मिर्ची और पिसी मिर्ची भी डालती हूँ मैं, रंगत है। तो ये देख सकते हैं गाइस बहुत ही माशाल्लाह मजे के पराठे बनाए, आप लोग भी बना के खाएं और अपने घर वालों को भी खिलाएं,
और मुझे दें इजाज़त, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।